दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। जिला सोलन के सुबाथू में बुधवार को देशभक्ति गीतों से 14 जीटीसी का अन्नपूर्णा भवन गूंज उठा। प्रेस क्लब सुबाथू की ओर से प्राइड ऑफ सुबाथू के आयोजन के दौरान देश के लिए शहीद हुए सैनिकों की वीर नारियों सहित सेवानिवृत्त सैनिकों व विभिन्न विभूतियों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में सीईओ तनु जैन की अध्यक्षता में छावनी अध्यक्ष ब्रिगेडियर एचएस संधू सेना मेडल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान अतिथियों का फ्लोरेंस स्कूल के बच्चों ने पाइप बैंड की मधुर धुन पर स्वागत किया। समारोह में देश सेवा में कुर्बानी देने वाले शहीदों के लिए मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सीईओ तनु जैन व ब्रिगेडियर एचएस संधू ने विभिन्न क्षेत्रों से आई 11 वीर नारियों व सेना में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 20 सेवानिवृत्त सैनिकों को शॉल व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। साथ ही विभिन्न स्कूलों के प्रधानाचार्य व मेधावी बच्चों को भी सम्मानित किया गया। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए सुबाथू से कपिल गुप्ता की रिपोर्ट। पारंपरिक एवं आधुनिक आभूषणों का संगम भूषण ज्वेलर्स सोलन ग्राहकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। त्योहारी सीजन पर शुरू की गई सौभाग्य उत्सव योजना के तहत एक लकी विजेता को इयोन कार, 5 अन्य विजेताओं को स्कूटी और 20 कंसोलेशन प्राइज दिए गए। भूषण ज्वेलर्स के MD विनय गुप्ता का कहना है कि अब ग्राहकों को आभूषणों के लिए चंडीगढ़, अंबाला एवं दिल्ली जैसे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। उनका कहना है कि भूषण ज्वेलर्स सभी लोगों के सोना पहनने के ख्वाब को न मात्र पूंजी पर किटी खोलकर पूरा कर रहा है, यही नहीं भूषण ज्वेलर्स शादी विवाह के अवसर पर ग्राहकों को विशेष उपहार प्रदान कर रहा है। तो आज ही चले आइए भूषण ज्वेलर्स सोलन।